नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज। पंजाब, जहां पर पिछले कुछ सालों में इतने गैंगस्टर पैदा हुए कि पंजाब का नाम सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बदनाम करके रखा है। अभी हाल में ही पंजाब पुलिस ने दो और गैंगस्टरों का एनकाउंटर किया, लेकिन लगता है कि पंजाब के अंदर एक समस्या है। वो ये कि पंजाब में एक गैंगस्टर का एनकाउंटर होता है तो चार पैदा हो जाते हैं। और ये हम ऐसे नहीं कह रहे बल्कि ये सच है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पंजाब के ऐसे खूंखार गैंगस्टरों के बारे में जिनका एनकाउंटर तो हुआ लेकिन उसके बाद उससे भी ज्यादा खतरनाक गैंगस्टर पैदा हुए। पंजाब की धरती भी इस बात की गवाह बन चुकी है कि यहाँ पुलिस एक गैंगस्टर गैंग का खात्मा करती है तो दूसरा तैयार हो जाता है। एक के बाद एक पुलिस ने पंजाब में कई नामी गैंगस्टरों को मार गिराया, लेकिन इनका खात्मा नहीं हो पाया बल्कि नए गैंग और गैंगस्टर पैदा होते चले गए। आज आलम यह हो चुका है कि पंजाब की धरती गैंगलैंड बन चुकी है, लेकिन यहाँ गन कल्चर लगातार हावी हो रहा है। गानों के जरिए भी इसका अच्छा खासा प्रमोशन किया जा रहा है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इन सब में सबसे पहले नाम आता है पंजाब के एक कुख्यात शूटर सुखा कहलोन का। सुखा कहलोन पंजाब के जालंधर के गांव कहलवा का नामी गैंगस्टर था जिसने सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोरी। गन कल्चर से लेकर ग्लैमर में सुखा कहलवा छाया रहा, लेकिन सुखा कहलवा की पुलिस कस्टडी में नेशनल हाईवे पर गैंगस्टर वेकी गोंडर और प्रेमा लाहौरिया ने मार डाला था। क्यों मारा था ये भी बताएंगे, पहले और भी लोगों के बारे में जान लीजिए। दूसरा नाम है कुलवीर सिंह नरवाना का। कुलवीर सिंह नरवाना जिसकी साल 2021 में पंजाब के भटिंडा के गांव नरवाना में उनके ही घर के बाहर कथित तौर पर एक सहयोगी द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके साथ उसका किसी मुद्दे पर विवाद था। गैंगस्टर नरवाना 15 से ज्यादा मामलों का सामना कर रहा था और हत्या के समय जमानत पर बाहर था। उसके खिलाफ हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत 26 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। तीसरा नाम है विक्की मिंदू खेड़ा का। विक्की मिंदू खेड़ा वैसे तो युवा अकाली दल का नेता था, लेकिन उसकी सांठगांठ लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के साथ बताई जाती है। और यही वजह थी कि देवेंद्र बम्बीहा गैंग के बदमाशों ने उसकी 7 अगस्त 2021 को गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसमें सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर शगुन प्रीत का भी नाम सामने आया था। चौथे नंबर पर नाम आता है गुरलाल बराड़ का। गुरलाल बराड़ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी का प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुका था। गुरलाल बराड़ की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। गुरलाल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का काफी करीबी था और कनाडा में सिद्धू मूसेवाला के हत्यारे गोल्डी बराड़ का भाई भी था और उसी के बदले का खेल चल रहा है। पांचवा नाम आता है गैंगस्टर रॉकी का। गैंगस्टर से नेता बने जसविंदर सिंह उर्फ रॉकी आज से 6 साल पहले हिमाचल के सोलन में उनकी हत्या कर दी गई थी। पंजाब के फाजिलगा के छोटे से गांव में जन्मे जसविंदर उर्फ रॉकी को यूपी के विधायक और गैंगस्टर मुख्तार अंसारी ने अपराध की दुनिया में उतारा था। इसके बाद रॉकी धीरे धीरे अंसारी की आपराधिक गतिविधियों का राजदार बन गया था। छठा नाम आता है सुखमीत सिंह दुपटी। सुखमेव सिंह डुप्टे मिक्की अपहरण केस में सजायाफ्ता था। वो कांग्रेस का पूर्व पार्षद भी था। सुखमेव सिंह डुप्टे की हत्या हाल ही में जालंधर में शूटर्स ने की थी। उसकी हत्या भी गैंगस्टरों की आपसी रंजिश का नतीजा बताई जाती है। अब आपको बताते हैं उन गैंगस्टरों और उनकी गैंग के बारे में जिन्हें पुलिस ने मार गिराया लेकिन आज भी उनकी गैंग चल रही है। इसमें पहला नाम आता है विक्की गोंडर और प्रेमा लाहौरिया का। पंजाब के मुक्तसर जिले के सरवन बोडला गांव में एक मध्यम आय वाले किसान परिवार में जन्मे हरजिंदर सिंह अपने स्कूल में विक्की के नाम से जाना जाता था। साल 2010 में आपसी रंजिश की वजह से उसने सुखा कहलोन को मारने के लिए अपने दोस्त प्रेमा को उकसाया और जनवरी 2015 में उसने सुखा कहलोन को मार डाला। ये वारदात उस समय हुई जब जालंधर में एक कोर्ट में सुनवाई के बाद सुखा को वापस नाभा जेल ले जाया जा रहा था। विक्की गोंडर और प्रेमा लाहौरिया का भी 2018 में पंजाब पुलिस ने दो अन्य गैंगस्टरों के साथ एनकाउंटर किया था। 4 साल बाद भी विक्की गोंडर और प्रेमा लाहौरिया का गैंग आज भी जिंदा है और उनके नाम का डंका पूरे पंजाब में बजता है। दूसरा गैंग है विंदा शादीपुरिया और रोबी तलवण गैंग। पंजाब समेत कई राज्यों की पुलिस के लिए भयंकर सरदर्द बने रहे रोबी तलवण व विंदा शादीपुरिया का एनकाउंटर पुलिस ने जालंधर देहात इलाके में किया। पुलिस पर फायरिंग हुई और जवाबी गोलीबारी में दोनों मारे गए। दोनों बदमाश लूटपाट हत्या समेत कई संगीन वारदातों में संलिप्त थे। ये गैंग आज भी जिंदा है। तीसरा है जयपाल भुल्लर और जस्सी गैंग। जयपाल भुल्लर और जस्सी दोनों का पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पिछले साल एनकाउंटर किया गया।
इन दोनों गैंगस्टर ने पंजाब पुलिस के दो थानेदारों की हत्या की थी और मारे गए गैंगस्टर में मुख्य आरोपी और इनामी गैंगस्टर जयपाल भुल्लर और उनका साथी जसप्रीत जस्से शामिल थे। इन दोनों का पंजाब में खूब डंका बजता था और पुलिस पर गोलियां चलाना तो इनके लिए आम बात थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि गैंगस्टर जयपाल भुल्लर खुद एक पुलिस वाले का बेटा था। इस कड़ी में आखिरी नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर देवेंद्र बबीहा का। गैंगस्टर देवेंद्र बबीहा हत्या और लूटपाट जैसे संगीन मामलों में शामिल था। बबीहा का आज से 6 साल पहले एनकाउंटर किया गया था। वो इतना शातिर था कि 2 बार पुलिस कस्टडी से फरार हुआ, मुठभेड़ में मारा गया। देवेंद्र बबीहा शुरू से ही शार्प शूटर के नाम से फेमस था। आज भी बबीहा गैंग जिंदा है और उसके नामी गैंगस्टर हैं जिन्होंने कबड्डी खिलाड़ी संदीप नांगल अंबिया समेत कई नामचीन हस्तियों की हत्या की है। अब देखिए, हाल ही में पंजाब पुलिस ने 2 और गैंगस्टरों का एनकाउंटर किया है और इसमें भी आशंका यही जताई जा रही है कि कोई नया गैंगस्टर फिर से ना पैदा हो जाए। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए PDF न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।